हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजविंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डबल आर एस सक्सीड विजन में। जो आज की क्लास है वह वो क्लास है जिसको सभी बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, ठीक है। और ये वो चैप्टर है जिसको सभी बच्चे काफ़ी मुश्किल मानते हैं। हम इसको मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन लेंथी जरूर कह सकते हैं। वो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और उस चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो करते हैं, हम कौन से चैप्टर की बात करते हैं, वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। जो आज हम आपके लिए चैप्टर लाए हैं वो क्या है, इनकम अंडर हेड। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पी जी बी पी। पी जी बी पी क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कौन सा चैप्टर। चैप्टर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है जी, चैप्टर कैसा है जी। है तो आसान, क्या है ये, आसान है लेकिन ये क्या है, लेंथी जरूर है लेकिन आसान बहुत है। आप इसकी थोड़ी सी प्रोविजन है लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। एक और एक बात इसकी और है, इसका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में इसका एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है। सो लास्ट आप स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला पॉइंट, तो ये है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है भाई, बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। देखो, अगर कोई भी इनकम है, इनकम किसके थ्रू आई है, इनकम हमारी अंडर है बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस के अदरवाइज या प्रोफेशन के, वो किसमें टैक्सेबल होगी, वो हमारी इनकम होगी प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की भी, बिजनेस क्या है। जो हमारा सेक्शन है ना, टू सब सेक्शन 13, ये बिजनेस को डिफाइन करता है। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, नॉर्मल भाषा में बिजनेस क्या होता है। बिजनेस कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। कोई भी बंदा है, अगर काम शुरू किया उसने, हम क्या कहते हैं, उसने काम शुरू किया। काम शुरू करने का क्या मतलब होता है, भी उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वो ये सोच कर करता है भी हम घाटे में करेंगे या लॉस में करेंगे। कोई भी बनता है जो बिजनेस शुरू करता है वो यही सोचता है कि हम क्या करेंगे, गेन या प्रॉफिट, ठीक है। उसने प्रॉफिट के लिए बिजनेस शुरू किया होता है। लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन ये है, ये क्या बताता है, कहता है बिजनेस क्या है, बिजनेस एनी ट्रेड हो, ठीक है, कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ट्रेड, कॉमर्स मैन्युफैक्चर, ठीक है, और कंसर्न जाए एंड लिख दो, कंसर्न विद ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, बस नॉर्मल समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या है बिजनेस का मतलब, कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड
ट्रेड समझते हो, व्यापारी होता है, इसका मतलब भी बिजनेस ही होता है, कॉमर्स का मीन्स भी बिजनेस। मैन्युफैक्चर जो बंदा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो भी बिजनेस है उसका। ठीक है, जो इसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी, वो क्या हो जाता है, बिजनेस में आ जाता है हमारा। और प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन प्रोफेशन डिफाइन ही किया गया इस एक्ट में, डिफाइन ही है इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन उसी को बोलते हैं जिसको काम करने के लिए वो, मतलब मान लीजिए अगर बंदे के पास कोई डिग्री है उस रिलेटेड, ठीक है, काम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए वकील आ गए, लॉयर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके पास डिग्री है, और कोई मैकेनिक, हाँ मैकेनिक भी लिख सकते हो, मैकेनिक, इंजीनियर, पेंटर, ठीक है, ऐसे वगैरह, ये आ जाते हैं प्रोफेशन में। अब आपको पता चल गया होगा अभी प्रोफेशन और बिजनेस क्या है। बिजनेस तो कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर या कुछ भी आए, ठीक है, कंसर्न। और प्रोफेशन जिसके पास उस काम के लिए डिग्री होती है, मान लीजिए एक वकील है, वो उसके पास वकील की डिग्री है, तो वो उसके लिए प्रोफेशन हो जाता है, ये इंक्लूड है दोनों। अगर इनसे कोई इनकम होती है, वो हम किसके अंडर आएगी, वो अंडर हेड पीजीपीपी। पीजीपीपी का क्या मतलब, प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो था आपका मीनिंग। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ कैश में, ये तो आपको दिखता है सीधा सीधा, कैश में प्रॉफिट हुआ। अगर उसको काइंड में हो जाता, अब कैश में क्या होता है, काइंड में क्या होता है, कैश में तो भाई उसने जैसे 100 रुपए की चीज थी, 200 में बेच दी, तो 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब काइंड में वो चीज के बदले कोई और चीज ले ली, समझे। तो जैसे ये मान लीजिए उसके पास कोई, मान लीजिए उसके पास कोई चीज थी, मतलब उसके पास कोई ए चीज थी, ठीक है, उसने वो ट्रांसफर किसी और को कर दी, और उसके बदले में कोई और चीज ले ली, काइंड में ही ले ली, ठीक है, बी चीज ले ली। और अगर ये मान लीजिए उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 150 रुपये, तो उसको प्रॉफिट हुआ ना, वो प्रॉफिट किस समय हुआ, काइंड में। अगर प्रॉफिट काइंड में होता है, तो हम उसके लिए क्या निकाल देते हैं, कैश इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, उसकी कैश इक्विवेलेंट वैल्यू। प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट चाहे तो कैश में हो और चाहे काइंड में, ठीक है। अब दूसरी, प्रॉफिट की बात करते हैं, वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी। पहला पॉइंट क्या था, कैश और काइंड, ठीक है। अब क्या दूसरा है, कैपिटल रिसीप्ट। अगर कोई कैपिटल रिसीप्ट है, आपके घर में कोई चीज पड़ी थी, आपके बिजनेस में ला लो, ये बंदे का बिजनेस है, ठीक है जी, क्या कोई प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ, ठीक है। वैसे मान लीजिए इसका क्लोथ का है, अब इसके पास कोई मशीन थी, इसने बेच दी, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। उसके बिजनेस से हटके उसके पास कोई कैपिटल थी, उसको बेच दी, क्या ये है तो बिजनेस की, क्या ये इसमें आएगी कैपिटल, उसके बिजनेस में पड़ी थी। मान लीजिए किसी बंदे का कोई और बिजनेस है, मान लीजिए वो कैश में, जैसे बैंक लगा लो, बैंक का बिजनेस है, अब बैंक के पास फर्नीचर पड़ा था ऑफिस में, उसने वो फर्नीचर बेच दिया, ये कैपिटल होता है, ठीक है, ये क्या किस में आएगा, इसी में आएगा। कैपिटल रिसीप्ट इस हेड में नहीं आती, ये कहाँ पे आ जाती है, कैपिटल गेन में, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रखना इसको, कैपिटल गेन में आएगी। क्यों, अब बिजनेस का मीन्स क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस का मतलब ही यही होती है, अभी वो बंदा जिसका बिजनेस करता है उसी को लेन देन करे। ये मान लीजिए वो रॉ मटेरियल लाता है, उसको उसके ऊपर
प्रोडक्शन करता है, कुछ प्रोडक्शन के बाद वो फिनिश गुड्स को बेच देता है, ठीक है, ये बिजनेस होता है। अगर अदरवाइज इसके अलावा कुछ बेच रहा है तो उसकी कैपिटल शिफ्ट होती है वो। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। अगर बात करते हैं वॉलंटरी शिफ्ट की, अगर कोई वॉलंटरी शिफ्ट है, वॉलंटरी शिफ्ट, वॉलंटरी मान लीजिए, वॉलंटरी शिफ्ट क्या है मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है। अगर आप मान लीजिए कोई वकील है, लॉयर है, ठीक है, वो मान लीजिए ए बंदा, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, ए कोई ए पर्सन है, मान लीजिए वो मोहन लाल जी, जो कोई बंदा है मोहन, इसका केस लड़ रहा है, ठीक है। अब कोई और बंदा है इसको, मतलब केस तो इसका लड़ रहा था, जो मान लो कोई सोहन है, इसको केस लड़ते लड़ते इसको, जैसे केस तो इसका था, कुछ इसका भी फायदा होगा ना, इसने कुछ अपनी इच्छा से दे दिया ब्लंटरी शिफ्ट। तो ब्लंटरी शिफ्ट देखिए, केस तो ये इसका लड़ रहा है, ये इसको जानता नहीं, ये ना लॉयर को ये जानता है या ना ये जानता है, लेकिन इसने सोहन, इस केस में इसका कुछ फायदा होगा, इसने इसीलिए ब्लंटरी शिफ्ट लॉयर को दे दी। अब लॉयर के लिए क्या होगी, वो ब्लंटरी शिफ्ट होगी, ठीक है, क्या इस हेड में आएगी, हाँ जी ये इस हेड में आएगी, यस, क्यों, क्योंकि इस हेड में इसलिए आएगी क्योंकि उसको जो उसका बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी नेचर, ऑर्डिनरी नेचर और बिजनेस उसके रिगार्डिंग मिली है, ठीक है, ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में एक तो क्या आ जाए, कैश इन काइंड, कैपिटल शिफ्ट, प्रॉफिट गेन में हमें इस चैप्टर में नहीं आएगी, ब्लंटरी शिफ्ट आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अभी उसका जो है मतलब गेन है, ठीक है, उसको हुआ है क्या, वो मान लीजिए अगर उसने कह दिया भी मैंने तो जो प्रॉफिट, मैंने तो जो बिजनेस किया वो तो एक मंथ के लिए ही किया था, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, क्या ये टैक्सेबल होगा, हाँ जी होगा, ये मटेरियल है, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि उसने एक मंथ के लिए किया साल भर किया हो, ठीक है। और दूसरे में अगर लीगलिटी ऑफ बिजनेस, अगर वो मान लीजिए उसने कोई अलीगल ट्रांजैक्शन कर दी, अलीगल ट्रांजैक्शन से उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट इसके अंडर आ जाएगा, इनकम टैक्स उस पे लगेगा, ठीक है, अगर कोई अलीगल अलीगल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये तो बातें थी कुछ प्रॉफिट के रिगार्डिंग, भी प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट कैश में है तो भी आएगा, काइंड में तो भी आएगा, कैपिटल शिफ्ट है तो इस चैप्टर में नहीं आएगी, वो कैपिटल गेन में आएगी। अगर किसी ने ब्लंटरी शिफ्ट दे दी, ठीक है, वो ब्लंटरी शिफ्ट हमें मिली होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, अगर किसी को हमारी सर्विस अच्छी लगी और उसके साथ कोई व्यक्ति आया था उसको भी अच्छा लगा, उसने मुझे कोई तोहफा दे दिया, गिफ्ट दे दिया अपनी स्वेच्छा इच्छा से, लेकिन दिया किसके रिगार्डिंग है, जो हम बिजनेस करते हैं वो ब्लंटरी शिफ्ट। अब अगर कोई गेन होता है, गेन ये मायने नहीं रखता, अभी हमने बिजनेस एक मंथ किया था तो, और कोई अगर लीगल ट्रांजेक्शन से भी हमें बिजनेस हुआ है तो वो हमें इनकम टैक्स इसके अंडर ही आएगी, जो इनकम, ठीक है। ये तो बात थी प्रॉफिट गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन की, हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अब इसके लिए मेथड क्या रहेगा अकाउंटिंग का, हमने वही ये निकालना है, अगर बिजनेस प्रोफेशन उसको कैपिटल गेन, उसके लिए मेथड क्या रहेगा। मेथड हमारा सेक्शन बताता है 145, ठीक है, ये सेक्शन बताता है मेथड। अब ये क्या कहता है, चाहे तो आप कैश रख सकते हो, चाहे बेसिस, ठीक है, चाहे कैश बेसिस पे, चाहे मर्केंटाइल बेसिस पे,
ठीक है भाई, चाहे तो उसका कैश सिस्टम होगा कोई, चाहे मर्केंटाइल, ठीक है सिस्टम। पर ये बात एक और है, ये सेक्शन और कहता है कि वो रेगुलरली फॉलो करता हो इसको। ठीक है, अगर वो ये फॉलो करता है बंदा तो मर्केंटाइल सिस्टम आएगा, अगर कैश सिस्टम फॉलो करता है तो ये आएगा। ठीक है जी, अब अगर मान लीजिए उसको कोई प्रीवियस इस वाले केस की, आप अगर फॉलो ये दोनों सिस्टम करते हो, ठीक है, मान लीजिए एक कोई बंदा एक सिस्टम इनमें से कोई भी करता है, दोनों में से एक करता है, अगर उसको कोई मान लीजिए कोई वो मिला, क्या कहते हैं उसको, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ किस पे, कोई कंपनसेशन था जो हमें मिला ड्यूरिंग, हम अगर मान लीजिए कोई कंपनसेशन था किसके रिलेटेड, हमारे बिजनेस के रिलेटेड होगा, कोई कंपनसेशन मिला होगा, अगर वो हमें लगता था, सरकार को लगता था, हमें मान लो 5 लाख मिला था, अगर भाई हमें कोई नुकसान हुआ तभी कंपनसेशन मिलेगा, अगर कोई नुकसान हुआ, नुकसान अगर गवर्नमेंट को लग रहा था भी 9 लाख है, ठीक है, उसको 4 लाख कम मिला है, अगर 4 लाख उसने बाद में दे दिया, अब जो इस पे इंटरेस्ट होगा, जो इनहेंस कंपनसेशन है, ठीक है, वो अगर जिस ईयर में रिसीप्ट होगा ना उसी साल हम उसको टैक्सेबल करेंगे। अब एक और, अगर आप जो मतलब अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हो ना, तो उसको किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो AS स्टैंडर्ड है, ठीक है, AS, जैसे इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री का कैसे ट्रीटमेंट करना है, डेप्रिसिएशन का कैसे करना है, ये जो AS बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं एक मिनट वो लिख लूँ एक आपको, एक मिनट आ जाओ, देखो ये क्या है, ये कोई भी इनकम, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में कब टैक्सेबल होगी, चार्ज होगी, या कौन कौन सी इनकम चार्ज होगी, कौन कौन सी इनकम होगी, देखिए पहले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तो आपको सिंपल पता चल गया होगा, कोई भी इनकम अगर हम बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें कोई भी इनकम आ रही है, तो ये इस हेड के अंदर, इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब कह रहा है कोई कंपनसेशन और अदर पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, ये हमें रिसीव होगी तो क्या हो जाएगी, या तो ड्यू टू रिसीव, और या तो ड्यू हुई है या रिसीव्ड, किसके द्वारा, बाय एनी पर्सन, चाहे वो मैनेजिंग हो, चाहे सब्सटेंशियल मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, सब्सटेंशियल मैनेजिंग हो, क्या है, अगर इंडियन कंपनी है वो, अगर इंडियन कंपनी है चाहे फॉरेन कंपनी है, ठीक है, कोई बनता है इंडिया में बिजनेस कर रहा है उस कंपनी का, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई क्या लेते हैं उसको एजेंसी, मान लीजिए हम ये कंपनी है, इसका हेड ऑफिस है, कोई बड़ी कंपनी है, इसका छोटा है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है वो, क्या इंडियन कंपनी चाहे चाहे फॉरेन कंपनियां, उसका हम सब्सिडरी थे, अब उसने हमारे साथ टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, कंडीशन टर्मिनेट कर दी या मॉडिफाई कर दी, उस अगर उसने टर्मिनेट, हमें मान लीजिए हमारा बिजनेस ही बंद करवा दिया उस कंपनी, हम किसके डिपेंड थे, चाहे तो वो इंडियन कंपनी थी इन इंडिया में, चाहे वो फॉरेन कंपनी था, बिजनेस कहाँ चल रहा था, इंडिया में, अब उसने बिजनेस बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करने के बदले में हमें कुछ कंपनसेशन मिला है, ठीक है, या मिला है, या रिसीव्ड है, या ड्यू हुआ है, तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ऐसी दूसरी बात, कोई कंपनसेशन मिला है कैसे, ये तो पहला कंपनी ने बंद ही कर दिया, अब दूसरा कोई हमने एजेंसी होल्ड की हुई थी, कोई एजेंसी, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया एजेंसी को, या मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन समझते हो, मान लीजिए उन्होंने कहा पहले हम भी, हमने मान लो बाइक की एजेंसी ली हुई थी, बाइक की, ठीक है, पहले बाइक हमें मान लीजिए 50,000 में वो देते थे, नई बाइक कितने में देते थे, 50,000 में, हम वो उसको 60-70 में बेचते थे, अब वो बोले भी हमने तो 55 की देनी है,
हमें तो घाटा हो रहा है ना, वो बोल रहे हमें आपको 55,000 में देंगे, लेकिन जो ये 5,000 का है घाटा है, इसके बदले में 5,000 घाटा है जो हमें, उन्होंने क्या दे दिया हमें, कोई कंपनसेशन दे दिया, वो भी हमारी बिजनेस इनकम होगी। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कोई भी हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लीजिए हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमारा काम क्या है, कोई हमारा बिजनेस है या प्रोफेशन है, हम घर बनाते हैं या प्रोफेशन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है कोई बंदा, वो ठेके लेता है, अब उसको, या मान लीजिए हमारा काम था कोई टॉय बनाने का, अब हमें बड़े बड़ा मिला कॉन्ट्रैक्ट मिला टॉय का, मान लीजिए 1 लाख टॉय का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, टर्मिनेट कर दिया उन्होंने, हम काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख था, हमें 20,000 बना दिए थे, अब उनको लगा जा अब अगले की मर्जी है, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, टर्मिनेट तो मतलब उसने कैंसिल ही कर दिया, अभी हमने भाई 20,000 आपके आगे, अब हमने जो बाकी 80,000 थे हमने नहीं लेने, उस वाले केस में उन्होंने हमें कंपनसेशन दे दिया, ये भी हमारी बिजनेस इनकम होगी। अब तीसरी ये हमारी इनकम है जो इस चैप्टर के अंडर आएंगी, पहली तो कोई इनकम बिजनेस प्रोफेशन जो नॉर्मल हम कैरी करते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन उसके अंडर आते हैं, अगर कोई कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी। अब तीसरा कोई इंसेंटिव रिसीव हुआ हमें, ठीक है, क्या हमें इंसेंटिव रिसीव हुआ, और अगर इंसेंटिव रिसीव हुआ वो किसके थ्रू मिला, मतलब हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हमें इंसेंटिव रिसीव हुआ है तो हमारा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है, गेन होगा, और ये इसके अंडर टैक्सेबल होगा, क्या होगा प्रॉफिट ऑन, अगर इंसेंटिव मिला, ठीक है, इसमें चार पांच पार्ट होते हैं, अगर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, हमारे पास इंपोर्ट लाइसेंस था, हम लाइसेंस मान लीजिए हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, हमारे पास इंपोर्ट लाइसेंस था, और वो हमने लाइसेंस ही सेल कर दिया किसी को, और उससे को जो फायदा हुआ है वो इसी में आएगा। अब दूसरा कैश असिस्टेंट मिल गया अंडर एक्सपोर्ट स्कीम में, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट स्कीम चलाई हुई है, ठीक है, उसके अंडर हमें कोई कैश शिफ्ट होगी, कैश इंसेंटिव मिला, वो भी इसी में टैक्सेबल होगा। अब दूसरा, अब कस्टम ड्यूटी एक्साइज, और कोई कस्टम ड्यूटी थी एक्साइज ड्यूटी थी जो हमने पे की थी, अब वो रीपे होगी, ड्रॉबैक होगी, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये भी इसी में आएगी। अब चौथा क्या, प्रॉफिट ड्यूट, अब प्रॉफिट हुआ किस पे प्रॉफिट हुआ, एक होती है DEPS, इसको क्या बोलते हैं, DEPS, ठीक है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ठीक है, ये पासबुक स्कीम होती है, ये क्या होती है, इस पे हमने इस ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम को, हमने जो स्कीम थी मिली हुई थी हमें पासबुक, जो हमने उसको सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दी, उस पे हमें प्रॉफिट मिला, ये मतलब ये क्या होती है, ये एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसी के लिए होती है ये इंसेंटिव मिलता है इस पे एक तरह का, ये पासबुक जिसके पास होती है उसको इंसेंटिव मिलता है, अब उस बंदे ने सेल ही कर दी इसको या ट्रांसफर कर दी, तो जो ट्रांसफर की है पैसे के बदले में की होगी, जो पैसा मिला वो भी हमारा प्रॉफिट है। अब आ गया आगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोई परक्विजिट मिला, वैल्यू परक्विजिट मानते हो, परक्विजिट का मतलब होता है कोई, जैसे हमने सैलरी में पढ़ा था एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता था, ठीक है, कोई कैश बेनिफिट, कोई बेनिफिट देता था, अमेनिटीज वगैरह, ऐसे कोई बंदा ड्यूरिंग, ठीक है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम कोई लेन देन करते हैं जिसके साथ कर रहे हैं ना, उसने हमें कोई चीज गिफ्ट दे दिया, वो क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ड्यूरिंग बिजनेस, ठीक है, को इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब कोई सम रिसीव्ड हुआ पार्टनर बाय फार्म, ठीक है, कोई सम रिसीव्ड हुआ पार्टनर को उसकी फर्म से, फ्रॉम कहाँ से, फर्म से, ये भी हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब ये रीजनेबल होनी चाहिए, मान लीजिए इंटरेस्ट दे रही है फर्म अपने पार्टनर को कितना, 20%, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 12% ही देना है, जो ये तो 12% तो इनकम आ जाएगी टैक्सेबल, जो जो 8% है ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, 8% ऊपर का रीजनेबल होना, कोई भी सम रिसीव्ड कोई होता है पार्टनर को वो टैक्सेबल होता है, लेकिन वो रीजनेबल हो, जो 8% है ये किसके हैंड में होगा टैक्सेबल, ओनली फर्म के, और ये 12% फर्म के भी हो सकता है और पार्टनर के भी, ठीक है, अब ये तो ओनली फर्म के होगा जो 8% ऊपर का है। अब कोई भी सम रिसीव हुआ अंडर एग्रीमेंट, हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, अब ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये दो बंदे हैं, ये पास पास ही हैं, इसका भी सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस,
इसका भी सेम बिजनेस, ठीक है, बिजनेस दोनों का सेम है। मान लीजिए ये भी, इसका भी जो मान लीजिए ढाबा है, ठीक है, ढाबा है और ये भी ढाबा है। अब इन्होंने क्या कहा, अब यहाँ तक कोई आया नहीं, यहाँ तक 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक कोई और नहीं है, 20 ही लगा लो, 20 तक कोई और नहीं है। अब इन्होंने कहा भी भाई आप यहाँ से ढाबा उठा लो, यहाँ बिजनेस मत करो, मैं आपको क्या देता हूँ, कोई सम पैसा अमाउंट दे रहा हूँ भी यहाँ काम ना करने का, ठीक है। तो इन्हों ये चाकी यहाँ लेके, जो इसको साम मिला, कोई रिसीव्ड हुआ, कोई अमाउंट मिली, वो भी इसकी बिजनेस इनकम में आएगी। और अगर कोई बंदा मान लीजिए उसके पास कॉपी राइट पेटेंट ना हो, ठीक है, कॉपी राइट पेटेंट आपको अच्छे से पता होगा, कॉपी राइट मतलब हम किसी को, अगर हमारी चीज़ है कोई और बंदा कॉपी नहीं कर सकता, हमारे पास कॉपी राइट होता है। वो अगर शेयरिंग ना करने का पैसा देता है, हमें मिलता है, तो वो भी बिजनेस इनकम हो जाएगी। अब कहता है सामर रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, की मैन का मतलब जैसे हमारा तो ही मैन, ही मैन क्या होता है, जिसके पास पावर होती है, शक्ति होती है ना, वैसे की मैन होता है। की मैन क्या होता है, ऑफिस का, बिजनेस में हमारे में कोई बंदा ऐसा है जिसके ऊपर डिपेंड है हमारा बिजनेस, अगर वो चला गया तो हमारा बिजनेस घाटे में आ सकता है। हमें मान लीजिए हमें लग रहा है अभी, अगर वे बंदा चला गया हमारे बिजनेस से, हमें लॉस हो जाएगा, तो हम जो हमारा बिजनेस होगा, ऐसा बंदा होगा की मैन, तो बिजनेस में जो हमारा मतलब जिसका बिजनेस ओनर होगा, एसएससी होगा, वो ऐसे बंदे के इंश्योरेंस करवा लेता है। अगर इसकी डेथ होती है ना, तो जो कंपनी को कुछ पैसा मिल जाता है, ठीक है, डेथ होती है तो क्या सामर रिसीव्ड होता है, वो हमारी इनकम मानी जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ। अब फिर अगर मान लीजिए हमारे पास हमारा बिजनेस है कोई, ठीक है, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, अब रॉ मटेरियल पड़ा है, रॉ मटेरियल जी, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल पड़ा है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान ली, एक जो रॉ मटेरियल हमारे पास मान लो कुछ ऐसी चीज़ें पड़े हैं, जैसे 150 टन पड़ा है, 150 तो जाता है, जैसे 15 चीज़ें पड़ी हैं कोई रॉ मटेरियल की, ठीक है, 15 15 की वैल्यू मान लीजिए, एक रॉ मटेरियल की 1 लाख है, तो 15 लाख आ गई फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्जन कर ली, फिर रॉ मटेरियल को मान लीजिए कैपिटल गुड्स में कन्वर्जन कर लिया, हमारा रॉ मटेरियल था हमारे लिए, हमने ये यूज ही करने लग गए, तो क्या होती है जी, जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी इनकम होती है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ये क्या होती है, हमारी इनकम होती है। पता चला कोई रॉ मटेरियल था हमारे लिए, रॉ मटेरियल हमारा बिजनेस क्या था, कोई चीज हम लाते हैं, मान लीजिए हम फर्नीचर का लाते हैं, ठीक है, हम फर्नीचर लाते हैं और उस पर काम करते हैं और आगे बेच देते हैं, अब वो फर्नीचर लाए, वो हमने यूज कर लिया, अपने आप वहाँ पे ही यूज कर लिया ऑफिस में, और जो जा ट्रांसफर कर दिया किसी को, ठीक है, वो क्या होती है, वो कन्वर्ज करती, ठीक है, अगर वो कन्वर्जेशन कर दिया, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो रॉ मटेरियल को, हमारी हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये थी आपके लिए भी कौन सी इनकम अंडर हेड आती है, ये सेक्शन 28 बताता है, ठीक है। अब आपको बता दे एक थोड़ा सा एक पॉइंट रहेगा, उसके बाद हम जो ज्यादातर इसकी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी इनकम आती है। अब कल हम जो लेक्चर शुरू करेंगे, कल जो क्लास लगाएंगे उस पर पहले आपको प्रोफॉर्मा बता देंगे हम, भी कौन सी इनकम है, भी आपको ये बता देते हैं, जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है, जब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं ना, हमें ऐसा लिख के आता है, अभी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे लिखे होते हैं इनकम, इधर इधर लिखे होते हैं डिडक्शंस, तो मतलब एक्सपेंसेस, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। और हमें ये हमने देखना ही होता है, जैसे हमने कहा अभी कौन सी इनकम है इसमें आएगी कौन सी नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे नॉर्मल ही है, बस प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा 30 लाख, या नेट प्रॉफिट लिखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया, और ये इनकम जोड़ी होंगी, यहाँ पे टोटल होगा और यहाँ पे डिडक्शन मिली होंगी, हमने ये कल आपको पूरा बता देंगे अभी यहाँ पे कौन सी आएंगी कौन सी नहीं डिडक्ट होगी। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा होता है, डेप्रिसिएशन हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे इस चैप्टर में, जैसे प्रॉफिट लॉस प्लस इसमें क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड बैक क्यों करेंगे भाई, ये जो डेप्रिसिएशन होती है इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस में, ये नॉर्मल निकाली जाती है, लेकिन हमें
डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसका सेक्शन प्रोवाइड करता है भी ऐसे डेप्रिसिएशन निकालनी है। ये तो नॉर्मल, जैसे ये तो 25% लिख देगा, लेकिन हमारे तो अलग अलग रेट है, ठीक है। तो ये पहले ऐड बैक करेंगे ये डेप्रिसिएशन, और इसमें से लेस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन हमारा इनकम टैक्स एक्चुअली प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ऐसे ये पूरा परफॉर्मेंस वो कल आपको समझाएंगे, और इससे पहले जो आज आपको बताना है वो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक और बात है स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, ये आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बस कई बार थ्योरी में पूछ लेता है स्पेकुलेटिव बिजनेस ये क्या चीज है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इसको हम नॉर्मल बिजनेस से, जैसे हमारा नॉर्मल बिजनेस ये है, इसको हम अलग मानते हैं, डिस्टिंक्ट मानते हैं, ये अलग है, ये तो नॉर्मल बिजनेस है हमारा। अगर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसको हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है ट्रांसफर करनी, हमने मान लो सेल परचेज करनी, सेल परचेज किस में, शेयर में और जैसे सिक्योरिटी में, सेल परचेज शेयर सिक्योरिटी हम इसमें, मतलब सेल परचेज तो कर देते हैं, लेकिन इसमें जो ये शेयर और सिक्योरिटी होते हैं उनको ट्रांसफर हम फिजिकली ट्रांसफर नहीं करते, जैसे मान लो ऑनलाइन कर दी, ठीक है, ये स्पेकुलेट, इसमें घाटा घाटा रहता है, ठीक है, घाटा कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको हम नॉर्मल बिजनेस से क्यों अलग मानते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मल बिजनेस से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि ये इसको हम कैरी एडजस्ट नहीं कर सकते इसके प्रॉफिट से। अगर स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होगा अगले साल तो उसी में हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये लॉस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा स्पेकुलेटिव का बिजनेस है, हमें लॉस हो गया, अब वो लॉस हम नॉर्मल बिजनेस में एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको नॉर्मल सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ का मतलब अगर हमें, जे मान लो नॉर्मल बिजनेस है हमारे, तीन चार बिजनेस है नॉर्मल, हमें इसमें घाटा पड़ गया, मान लो 50,000 का घाटा पड़ गया, अब इसमें 1 लाख की प्रॉफिट है, अब इसमें हम एडजस्ट कर देंगे, 50,000 हमारी नेट इनकम आ जाएगी, लेकिन इस वाले को स्पेकुलेटिव लॉस से ही, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस आपको पता चल गया, अगर भाई कोई बैंक है तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जा, बैंक का नॉर्मल जो होता है बिजनेस वो यही होता है, सेल परचेज ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी, ठीक है, वो इसके लिए नॉर्मल बिजनेस आ गया। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जो हम कल स्टार्ट करेंगे, कल आपको देख परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन जो हमें ये बताता है ना, ये सेक्शन पढ़ेंगे हम, ये डिडक्शन कौन कौन सी डिडक्शन हमें मिलती हैं, इसके बाद हम जो जितनी क्लास लगेंगी ये चैप्टर आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अब कल वाली क्लास जरूर लेना आपको, क्यों ये भी आप एक बार जरूर देखना अच्छे से करवाएंगे। थ्योरी अजय नॉर्मल हम पेपर में पूछ लेता है, एक दो पॉइंट के लिए, मतलब एक दो नंबर के लिए ये पूछ लेता है थ्योरी भी, ये कौन कौन सी इनकम ऐड करते हैं, क्या कैपिटल और शिफ्ट इसमें आएगी, ठीक है। अब मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, थैंक यू।